नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह आज आपके साथ हूं इस चर्चा को लेकर कि क्या होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीतकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के हौसले अभी आसमान पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार से इतना विशाल जनादेश लंबे अरसे के बाद किसी गठबंधन को मिला है, लेकिन अभी से ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं। धैर्य रखिए, आपको यह जानना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरी तरह से अलग अलग परिस्थितियों और समीकरणों के आधार पर लड़े जाते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे एक ही जैसे होते तो माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ चुनाव हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन इन बड़े प्रदेशों में कांग्रेस को सीटें मिली कितनी जहाँ उनकी सरकारें हैं, इसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। इन तीनों प्रदेशों में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को मात्र 3 सीटों पर ही जीत नसीब हो सकी है। हमें डर है कि कहीं वैसा कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में भी मत हो जाए। इसके पीछे कारण भी वाजिब हैं, आपको जानना चाहिए। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, जबकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सामने होगा। नरेंद्र मोदी को पीएम बने हुए महज 5 साल हुए थे, जबकि नीतीश कुमार 15 साल से सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसिव फैक्टर यानी सत्ता विरोधी लहर भी नीतीश कुमार के खिलाफ उतनी तेज होगी कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार में सृजन जैसे घोटाले, महिलाओं पर बढ़ता यौन उत्पीड़न, औद्योगीकरण का असफल होना, लगातार पलायन बढ़ना और संविदा पर बहाल कर्मचारियों, विशेष तौर पर शिक्षकों की नाराजगी नीतीश कुमार और एनडीए के लिए परेशानी पैदा करेंगी। इसके साथ ही महागठबंधन के दलों के पास अपनी गलतियों को ठीक करने का पूरा मौका होगा। उन्हें अपने सामाजिक समीकरण और एक दूसरे को अपनी अपनी पार्टी का वोट ट्रांसफर कराने का भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। वहीं जो पिछले दिनों यानी कल हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एनडीए के साथ मजबूती से बने रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को जो भी जानता है वो जानता है कि नीतीश कुमार कब, क्या, किन परिस्थितियों में कैसे फैसला ले लेंगे, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा ये सवाल भविष्य का है, कल क्या होगा ये पूरी तरीके से काल्पनिक सवाल है, लेकिन हमने अपने नज़रिए को आपके सामने रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।